जनता क्या चाहती है वो जाता है। इसे सपा बसपा कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज समझ करके लोग उतर करके भाजपा जिसका वर्तमान भी है जिसका भविष्य भी है उसके साथ जुड़ रहे हैं और सपा बसपा कांग्रेस बनने का समय आ गया है और भाजपा वर्तमान भी है भाजपा भविष्य भी। सर कांग्रेस और सपा में गठबंधन लगभग तय हो चुका है, शाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, 16 से 18 सीटें देने की बात हुई है। देखिए ये हमारी समस्या है ही नहीं, वो गठबंधन करके लड़े चाहे अलग अलग लड़े, वो अपने अपने दल के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, ये गठबंधन पूरे देश में खंड खंड हो गया है, विखंड हो गया है। ये गठबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ गठबंधन है, इसके पास ना कोई नीति है ना कोई नेता है ना कोई इनके पास रणनीति है। गठबंधन फेल हो गया है, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ऐसे व्यक्तियों को भी भाई साहब नाराज हो जाएंगे, तुम वैसे कहीं नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। सचिव जी का बोलना है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष निकाल माता की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इन लोगों सूची बना करके अलग से चौधरी करेंगे, उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के महामंत्री और भावी राज्यसभा के सांसद श्री अमरपाल मौर्य जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर जी, भूषण जी, मंच और मंच के सामने विशेष तौर से आज अलग अलग दलों में लंबे समय तक राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री